टीवी पे बड़ी यू नो बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, कभी म्यूजिक के राइट्स, ये वो, आप सोच रहे होंगे इतने लोग आए हैं ये करके रहे, पर मैं आपको बता, ये भी कार्यक्रम अभी होगा, अभी होने वाला, शुरू अभी हुआ नहीं, तो आप सब इनको टीवी पे तो देखते ही हैं, पर एक हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं राजजी, राजजी प्लीज, आपको मैं बात बताऊं, आप इनको 45 साल से जानते हो, और आप पूछोगे कैसे, ये क्योंकि बैकग्राउंड पे रहते हैं, स्टूडियो में रहते हैं, सामने नहीं आते, तो बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया है, बहुत सारी फिल्मों में सैक्सोफोन बजाया, एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको देता हूं, अपने डाउन फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन साहब की, है ना, अरे दीवानो, ये बजाएंगे, लेकिन इनकी एक शर्त है, कहते हैं अगर पूरा हॉल मिलकर कोरस में साथ में गाएगा, मैं आपको बताता हूँ कहां पे करना है, यहां पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने शुरू किया, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं कौन, फिर आप लोगों ने बोलना है डॉम 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 डॉम, पांच बार बोलेंगे आप लोग, ओके तो फिर शुरू करते हैं, उसके बाद इनका जलवा आएगा, हाँ जी स्पॉट, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, शिकागो में शो कर रहे थे तो ऐसे ही रात को सब बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा राजी आपने आरडी बर्मन साहब के साथ काम किया है, तो उस दिन इन्होंने मुझे बताया कौन कौन से गाने बजाए, मई के मचले हुए गाना था बच्चे साहब का, वो बड़ा कमाल का था, मुझे आता नहीं गाना, पर इतना और मेरे जितने और भी साथी हैं, श्रीकांत गिटार पे है, गोपाल कीबोर्ड पे, हम हमेशा शो पे देखते हो, दिनेश, दिनेश और ये दूसरी गिटार पे कानो, ये दोनों मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, और पीछे जो पांडे बैठा है इसको भी आप जानते हो, ये मेरी जिंदगी में ऐसा है जा ही नहीं रहा, ये आकाश है तबले पे, ये बड़े कमाल के म्यूजिशियंस हैं, मेरे साथ मोहब्बत है इसलिए आ जाते हैं, अदरवाइज ये बड़े बड़े कमाल के सिंगर्स के साथ काम करते हैं, और अभी अभी माहौल जमा हुआ है, अभी म्यूजिकल भी हम लोग करेंगे, पर हमारे एक आर्टिस्ट है वो आए हुए थे, तो मैंने तो बड़ी कोशिश की उनको नहीं लाऊं, पर वो नहीं माना, बोलते मुझे आना ही आना, वेर इज किक्स,
बैंड से करेंगे सबका स्वागत। कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है? माहौल बन रहा है? ये हुआ ना बात यार। यू नो मी ब्रो, ये बच्चा यादव द दूध वाला, नो द डूड वाला डूड, ये क्या बात है यार। भाई तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? तो भूख तो हमसे पूछ के नहीं किया ना यार, अपना अपना देखो। मजाक कर रहे हैं यार, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, प्यार करो, शादी करो। जैसे ये भाई साहब यहाँ पे है, शादी शुदा लग रहे हैं। भाई साहब आपका शादी हुआ है? तो भूख तो योर लाइफ ब्रो, मजा करो। क्या बात है यार, यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है। ओहो हो, हाउ मेनी पंजाबी इन द हाउस? ओहो वो मैनी है। क्या बात है यार, पंजाबी लोग हमको बहुत पसंद है। पंजाबी हर चीज में आगे होते हैं, लेकिन एक चीज है जो पंजाबियों से भी आगे होती है, उनका पेट। अरे यार, आप सोच रहे होंगे ये बात कहने का हमको क्या हक? यू गॉट अ पॉइंट। लेकिन पेट ना कोई बुरी चीज नहीं है। आई एम टेलिंग यू, इट इज लाइक नेचुरल प्रोटेक्शन। आपको पता है, पेट वाले जो लोग होते हैं ना, चेहरे पे उनको कभी चोट नहीं आती। पता है क्यों? जमीन पे गिरेंगे नीचे पहले क्या लगेगा? बाउंस बैक ब्रो, गॉड गिफ्टेड एयरबैग। और क्या चाहिए? हाउ मेनी गुजराती इन द हाउस? बहुत है। हम देखे ये फैमिली में तो बहुत है। हम आए ना यहाँ पे दो तीन दिन से, देख रहे हैं। हम दो दिन पहले सड़क पे निकले, हम चिल्लाए विलियम, कोई नहीं आया। फिर हम चिल्लाए जिग्नेश, 15 लोग आ गए। मजाक नहीं कर रहे हैं, सब आके हमसे कहते हैं सुवाच्छे सुवाच्छे सुवाच्छे। हमने कहा दोस्त, सुवात नथी सुसुवाच्छे। जरा शौचालय जाना है तो कहां जा सकते हैं? तो एक बंदा हमको बताया कि यू कैन गो देयर, देयर इज द रेस्ट रूम। हमने कहा हम रेस्ट रूम काहे जाएंगे बे, हमें आराम नहीं करना है, हमको तो धूम धड़ाम करना है। चलता जॉक्स का पिटारा भी लाए हैं, सुनाए है? सुना दे ये? अरे यार पिटारा लेके निकले हैं तो सुनाना तो है। तो हमको बताइए, माँ और सूरज में नहीं, बीवी और सूरज में क्या समानता है? वाइफ और हस्बैंड, वाइफ इतने प्यारे प्यारे कपल यहां पर बैठे हुए हैं, तो हमें बताइए कि बीवी और सूरज में क्या समानता है? दोनों को ज्यादा देर तक आप घूर नहीं सकते हैं। ये बात में तो सच्चाई है भाई। अच्छा अब हमको बताइए, बीवी और माँ में क्या अंतर है? बीवी में और माँ में क्या अंतर है? देखिए माँ जो होती है वो बोलना सिखाती है, और बीवी यू नो इट बेटर यार, चुप रहना। अच्छा एक जरा लोकल वाला आपको बताइए कि तुषार कपूर जो है कलाकार, वो अगर लड़का नहीं होते लड़की होते तो हम उन्हें क्या बुलाते? मादाम तुषार। मजा आता है यार, चलता रहता है, माहौल बनता है, इसलिए सुना देते हैं।
हाय हाय हाय। वैसे आप बताइए लंदन में जब हम आए ना, हमने देखा बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, हरियाली बहुत है, देख के बहुत मजा आया। और सबसे ज्यादा पता है किसका याद आया हमको? हमारी फुलझड़िया का। यू नो फुलझड़िया, हमारी भैंस, कम ऑन यार, ये वो आने वाली थी यार, उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया वो लोग, कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारी भैंसिया प्लेन में नहीं जाएगी, इसका वजन बहुत ज्यादा है। हम वहां पर खड़े खड़े उसका 5 लीटर दूध निकाल दिए। हम बोले ये लो, इसका भी वजन कम हो गया, तुम भी दूध पियो, तुम्हारा सेहत बनेगा। वो ऑफिसर हम पे गुस्सा हो गया यार, कहता है चलो निकलो यहां से, बेकार का बात मत करो, वरना उल्टे हाथ का देंगे ना सीधा पेरिस जाके गिरोगे। हमने कहा दोस्त दे ही रहे हो तो थोड़ा और जोर से दे दो, हमें लंदन जाके गिरना है। ओके एंड देन आपको बताएं, जैसे ही हम प्लेन में घुसे, आई वॉज शॉक्ड, हमारी सीट पे किसी ने बम रखा था। हम तो एकदम घबरा गए। फिर जाके उस व्यक्ति को हमने समझाया कि दोस्त ये हमारा सीट है, अपना बम यहां से उठाओ, यहां पर हमें हमारा बम अरे यार मजा आ रहा है ब्रो, ये अब मजा हो जाएगा डबल, क्योंकि मैं भी आ रहा हूं म्यूजिक। एक समझा सुनते सीपोज बंद हो गया, बंद करो नाचना। ब्रो हमको नाचने के लिए म्यूजिक का जरूरत नहीं है, मजा आता है यार। नाचो। आपने देखा होगा इतना शौक है इसको नाचने का, कपिल शर्मा शो को डांस इंडिया डांस बना के रखता है यहां पे। क्या है इतना शौक है नाचने का, तो घर से एक काम करो, उमराव जान की ड्रेस बनाओ, रेखा बन के आए करो, उनको भी मजा आए। रेखा आती है अमिताभ बच्चन के लिए, ऐसे ठाकुर के लिए नहीं आती है वो। आपको पता है गब्बर सिंह, पता है आपको गब्बर सिंह ने एक दिन इनको फोन किया, कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम वो वाले ठाकुर नहीं हो, फिर भी तुम्हारे हाथ काटने का दिल कर रहा है। ठीक है तो मेरे हाथ भी कटवा, मेरी जुबान भी कटवा, मैं तो तुम्हारे लिए ताली बजवाने आया था, नहीं बजवाता जा। नहीं ब्रो ऐसे नहीं यार, मजाक कर रहे, ताली तो बजवाओ यार। एक तो इसने ऐसे ही एंट्री कर ली, इतना अच्छा कलाकार है हमारे शो का, कितने करेक्टर करता है ये बंदा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुपरस्टार। सत्य गणेश आचार्य के लिए। अच्छा हम है सस्ते गणेश आचार्य। हाँ जी, तो ये महंगे साहब के बारे में एक बात बताएं आपको। आपको पता है जैसा ये शो लॉक हुआ ना, हमको ये दिल पाजी जो हमारे है ऑर्गेनाइजर, उनका फोन आया हमको, कहते हैं कि यार ये कपिल शर्मा शो के लिए राजीव ठाकुर को तो बुक कर लिया है, आपको भी बुक करना है तो बताइए कितने पैसे लेंगे। तो हमने कहा देखो यार राजीव ठाकुर अपना दोस्त है, इसको जो भी दे रहे हो उससे 500 रुपया ज्यादा हमें दे दो। तो कहते हैं फिर सर आप 500 रुपया ही ले लो, क्योंकि ये तो फ्री में आ रहे हैं। आना पड़ता है यार, इतनी मोहब्बत मिलती है यहां पे आके। मैं इनसे पैसे मांग लूं, मेरे को बुलाए ना, मेरा तो काम खराब हो जाता, काम खराब हो जाता। हाँ भाई, काम खराब उनका होता है जिनके पास काम होता है। आप लोग ने तो देखा है यार हमारे शो में आके कैसे अपने दोस्त से काम मांगता रहता है आदमी है। तो अपने दोस्त से काम मांगना बुरी बात है नहीं है ना, तो शर्म तो उनको आनी चाहिए ना जो मेरे दोस्त से काम मांग मांग के हित हुए। बात बताओ यार ठाकुर साहब, इतनी प्यारी ऑडियंस सामने बैठी है,
हम क्यों एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं? क्योंकि उनको मजा ही इसमें आता है। अगर उन्हें अच्छी बातें सुननी होती बाबा रामदेव को बुला लेते, हमें क्यों बुलाते? लेकिन यार हम तो इस आदमी के बारे में सिर्फ अच्छी बातें करेंगे। नो रियली इज अ गुड गाय, बहुत मेहनती आदमी है ये। और आपको सच बताएं, एक छोटे से शहर से यह आदमी मुंबई आया जेब में 2200 रुपए लेके। सही कह रहे हैं हम, 2200 रुपए लेके आए। और आज देखिए नई नई करके मुंबई शहर में 2 से 2.5 करोड़ का कर्जा है इन पे। कैसे सो लेते हो भाई, नींद कैसे आती है इतना कर्जा लेके? मुझे तो बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि मैंने कौन सा वापिस देना है। नींद उनकी जाए जिन्होंने मुझसे लेना है। यार ये आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, कितने ही पैसे कमा ले, सोच वही छोटी वाली। बड़ा अजीब बंदा है। आपको पता है हम जब लंदन आए ना, जैसे ही होटल में घुसे एक आदमी गुस्सा हो गया होटल आते ही, कहता नहीं यार मैं भी एक आर्टिस्ट आदमी हूं, मैं इतने छोटे कमरे में नहीं रह सकता। हमें इनको समझाना पड़ा कि दोस्त जहां तुम खड़े हो ये लिफ्ट है, कमरे में अभी पहुंचे नहीं है, कमरा ऊपर है और अच्छा खासा स्वीट रूम दिया है तुमको। आधे घंटे बाद इनका फोन हमको फिर से आ गया कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, कोई स्वीट रूम नहीं है। मैंने सारी दीवारें चाट के देख ली, सारी ठीक ही है, कहां है स्वीट? ये चल रहा है बंदा। ये सारी बातें होती रहेगी ब्रो। और बताओ लंदन आके कैसा लगा? बठिंडे जैसा है। हाँ इतना पंजाबी है, पता ही नहीं चल रहा मैं लंदन आया हूं बठिंडा आया हूं। सब बता रहा, कल मैं गया बकिंगम पैलेस, वहां जाके मैंने बोला, मैं जिन मेरा दिल लुटिया, रॉयल गार्ड बोला ओहो, जिन महंग मां फूटिया ओहो। पता नहीं चल रहा हम पंजाबी भाई आते जाते रहते बाहर, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा तुम फॉरन पहली बार आए। अरे नहीं नहीं हमारा फॉरन आना जाना लगा रहता है। अरे हाँ हाँ हमारी जो मम्मी है, हाँ पिताजी है हमारे, वो हमसे कहते हैं कि ये है बिजली का बिल, इसे फौरन भर के आओ। हम फौरन जाते हैं, भरते हैं, फौरन वापस आते हैं। अपना चल रहा है ट्रैवलिंग फौरन। पर आपको ये पता नहीं है ब्रो, अपना यहां पे बहुत दबदबा है। परसों हम वहां गए तो वो क्या है, मदाम तुसाद। अच्छा हाँ हाँ, हम जैसे ही वहां पे गए वो लोगों ने हमें ही पकड़ लिया कि भाई आपका मोम का पुतला बनाना है। हमने कहा नहीं नहीं यार नहीं प्लीज, हमारे नहीं, हमारा नहीं। क्यों? क्योंकि क्या हम पहले से इतने हॉट हैं, हमारा मोम का पुतला तो पिघल जाएगा ना, है कि नहीं? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हॉट है आप जी, देखो जरा कल स्विमिंग पूल में उन्होंने छलांग लगाई, ये पानी बाहर आ गया, कहता भाई साहब हमें चोट लग जाएगी। समुद्र के किनारे लेटा वेल मछली इनके पास आके बोल रही है, कहती बहन तुम पानी के बाहर सांस कैसे ले लेती हो? एक मिनट, कहीं हम आपको मोटे तो नहीं लग रहे? लग रहे मतलब? नहीं नहीं बोल के बताएं सबको। अरे ये आप लोगों की गलत फहमी है, ये आउटर लेयर जो है ये नहीं है कुछ, ये आपको लगता है कि हम मोटे हैं। कल हमने अपना एक्सरे कराया, आई एम ए स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। रियली शर्म करो ऐसी बातें करते हुए। भगवान से मैं सच बताऊं, चांद से नीचे देखो दो चीजें नजर आती हैं, एक चाइना की दीवार, दूसरा ये। शर्म करो। ए यार मोटापे को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है आप लोगों को। हम बता दें मोटापा कोई बुरी चीज नहीं है। अच्छा हाँ हाँ, हम सबके जीवन का सच्चा साथी सिर्फ मोटापा। ओहो हमारे टाइप के कितने लोग हैं यहाँ पे, हाथ उठा दो, शर्माओ मत, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ब्रो। हम सच बता रहे हैं, आपके जीवन में पैसा आएगा चला जाएगा, दोस्त आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मोटापा एक बार आएगा ना। मोटापा कुदरत की एक नायाब देन है, एक्सरसाइज करके आप इसे नष्ट ना करें भाई। ये लंदन सिटी तो अभी बनी है, ओबेसिटी पहले से थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। अच्छा अच्छा, ये देखिए सपोर्ट देख रहे हैं आप हमारा, और हमने तो एक और रिसर्च किया, आप लोग भी जान के खुशी होगी। हाँ। ये हम मानते हैं क्या, ये पृथ्वी लोग जो है धरती, हाँ। यहाँ पर हम 150 किलो के हैं। अच्छा मानते हैं, नो डाउट, लेकिन आप हमें मंगल ग्रह पे भेज दीजिए, वहां पर हम 50 किलो के हैं।
हमें चांद पे भेज दीजिए, वहां हम 30 किलो के हैं, तो बेसिकली हमारा वजन ज्यादा नहीं है, हम गलत ग्रह पे आ गए हैं। ठीक है, अब मैं एलोन मस्क से जाके कहूंगा कि आगे से ना रॉकेट की पूंछ में आग ना लगाएं। ताकि आप सही ग्रह पे पहुंचे, दूसरे किसी ग्रह पे हमको जाना नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने यह भी पता लगाया है किसी और ग्रह पे लड़कियां नहीं होती हैं। एक बात बताएं, आपके लिए यहां भी नहीं होती है। ऐसा मत कहिए यार, देखिए आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। तो अगर यहां पर कोई है जिसे हम में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, क्यूट है यार हम, है क्यूट तो है। और आपको बताएं हमारी स्माइल पे तो लड़कियां मरती है, दिखाएं आपको, हाँ देखता है, दिखाओ दिखाओ। ओके रेडी, 1 2 3 ये तो होता रहता है यार। तो लेकिन सच बताएं, आइए यार, लोगों की नाक कट रही है, ऐसी बातों में लोगों की नाक कट रही है, हमारी पूंछ कट रही है। लेकिन कोई भी लड़की चलेगी यार, अमेरिका की होगी तो भी चलेगी। हेलो, वो इंग्लैंड वाले हैं, उनको क्या पता अमेरिका का। अरे भाई साहब, ये पाउंड में कमाते रहे तो क्या, हाँ। यूरो और डॉलर की पूरी जानकारी रखते हैं ये लोग, है कि नहीं। और यहाँ पे ये भाई साहब को देख लीजिए, इनको तो देख के लग रहा है कि रशियन करेंसी की भी पूरी जानकारी रखते हैं ये। क्यों भाई साहब, और बगल में बीवी के साथ आए हैं, चलेगा ऐसे रखा हुआ है, किडनी पे सेटिंग है उनकी, उनकी किडनी तो रॉक के। तुम ये क्या है, शादी करने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है, नहीं है रेडी टू सिंगल। अरे ठाकुर साहब, इंटेलिजेंट हम बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, कोई भी हमसे सवाल पूछे हम जवाब देंगे। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें मैं देश का प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए बनाऊं, क्या करोगे? 2 मिनट के लिए बना, यस, तो हम मैगी बनाएंगे, 2 मिनट में मैगी ही बनता। ठीक है, 5 साल के लिए बनाते जाओ। नहीं नहीं, इतना मैगी कौन खाएगा। अबे तुम्हें खाने के अलावा कुछ पूछ रहे, खाने पे ध्यान मत दो, सवालों पे ध्यान दो। तो पूछो ना, बताओ फिर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म, हाँ रात को हुआ था, रात को। अबे डे कौन सा था? डे डे ड्राई डे था, वो तो है, करेक्ट, ड्राई डे था। सन सन क्या था? अरे सन नहीं था तभी तो रात थी, कैसा आदमी है यार ये, सवाल ही गलत पूछ रहा है। सवाल मैं सवाल, ठीक है बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? ग्लास में। जितनी बर्फ ग्लास में गिरती है उतनी बर्फ कहीं नहीं गिरती है, मानेंगे कि नहीं है बात। ये इस टाइम पे तुम पंजाबियों को जो सलाह दे रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। एक तो इधर बैन, ऊपर से तुम बर्फ की बातें कर रहे हो। लेकिन एक मिनट, एक बात पे हमको ना जोक के पिटारे में से एक जोक याद आ गया, सुना दे। लो सुनाते हैं, ठीक है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ऋषि सुनाक, हाँ हाँ, आपको पता है जब वो खाना खाते है ना, तो ये जो उंगली है इसका इस्तेमाल नहीं करते, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि ये हमारी उंगली है यार, खुद की उंगली से खाएंगे ना। अच्छा, वो ये अंगूठा भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये तुम्हारा है? नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे अंगूठा का इस्तेमाल करेंगे। यार क्या उल्लू बनाया है इनको। एक बात बोलो वैसे, हाँ ये सवालों पे ऐसे वाहियात अंगूठों पे ध्यान मत दो, थोड़ा इस पे ध्यान दो, थोड़े फिट हो जाओ। तो हो जाते हैं यार, सुबह सुबह उठ के ना गर्म पानी के साथ पंपकिन सीड्स खाया करो, फर्क पड़ेगा। अच्छा, वो पंपकिन का जो बीज होता है खा लेंगे यार, हमको कोई आपत्ति नहीं है, पंपकिन बीज खा भी लेंगे, बीज पेट में चला भी जाएगा। लेकिन एक सवाल था भाई, वो बीज के पेट में जाने के बाद अगर वो पंपकिन बन गया तो किस रास्ते से उसको बाहर निकालना है वो भी थोड़ा। खाने पीने में इससे कोई नहीं जीत सकता, मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूं, जितना मर्जी खाओ बस अपने पांव को हाथ लगा, पांव को हाथ लगा, पांव को हाथ लगाना, यही जी है ना। जितने लोग बैठे सबके पांव को हाथ लगा,
सबके सबके यहां से लेके वहां तक। तो ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, अपने पैर से हवा में ऊपर लेके आइए, हम आ रहे हैं पैर छूने। वो क्यों वहां ऊपर करेंगे? क्योंकि हम बच्चा यादव हैं दोस्त, बच्चा यादव झुकेगा नहीं साला, बच्चा यादव झुकेगा नहीं साला, फटेगा साला। आसान तरीका बताते, देखो खाओ पियो जो मर्जी करो, सबके लिए ये एक्सरसाइज, ओके सब लोग मिलके करो। करना क्या है? डांस है, डांस डांस, ये तो हमको आता है, कर लेंगे। डिपेंड करता है कि आप लोग हमें डांस करते हुए देखना चाहेंगे। अरे यार सपोर्ट है तो लगा दो म्यूजिक, म्यूजिक से सीधी बजे हाथ से ताली, से सीधी बजे हाथ से साली, साला आइना उसमा आएगा कोई आले आले, मैं चिल्ला मुलाकात होगी आपसे, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बात बताओ, सबके लिए तालियां बजाते मेरी बार क्या आपके हाथ में पॉपकॉर्न आ जाते सबके? कोल्ड ड्रिंक, शुक्र है यहां पे मुझे कोल्ड ड्रिंक दिख रही है, वरना जहां जहां शो किया कुछ और ही दिखा लोगों के हाथ में। चलिए आगे बढ़े, शो को और आगे बढ़ाएं। देखो कोई पैदा होते चीख बाकी रह गई, इसका मतलब ये नहीं यही बजानी आती। अगला आर्टिस्ट जो हमारे साथ आए हैं, बहुत ही सुंदर आर्टिस्ट हैं यार, तुम लड़ने आए घर से, कलेश बीवी से गुस्सा हम पे निकाल रहे, तो अगले आर्टिस्ट को बुलाना चाहूंगा जिसके गले में एक नहीं हजारों आवाजें बसती, जब वो स्टेज पे आता है अकेला नहीं आता, अपने साथ पूरा बॉलीवुड लेके आता है। सो प्लीज वेलकम नाना बेन जसवंत सिंह राठौर। छोटू, तीन चीजें दुनिया में कभी नहीं मिलती, भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और भक्तर सिंह की रफ्तार। तालियां बजानी होती है। कौन कहता है कि कलाकार मर जाता है, कलाकार को तो जिंदा दफनाया जाता है। यकीन ना है, कब्र खोद के देख लो, हमेशा तालियों के इंतजार में पाया जाता। तो थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल कपिल भाई उनकी टीम का, जिन्होंने पहली बार पाउंड वाले लोगों को हंसाने का मौका दिया है, आपके लिए है। अच्छा, इन्होंने पहले भाई ने पूछा कि गुजरात पंजाब तो उलालाला हो गए, पता चल गया कि ये बैठे हैं। यूपी से कौन है? बिहार से? हरियाणा से? क्या बात है, वैसे ना भी बता दे थोड़ी देर में हरकतों से पता चल जाता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब साटू भाई हैं। साटू भाई पता ही है, एक ही कंपनी से घाटा गए दो इंसान, है ना। सो मेरे को बड़ी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, लेकिन कंफ्यूजन भी होगी। मैं कहा इतना बड़ा रंग है, पूरा इंडिया यहां पर आया हुआ, गुजराती, बंगाली, राजस्थानी, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मैं किस लैंग्वेज में बोलूं? हिंदी, चलो हिंदी में बात करता हूं, सबको समझ आएगी, है ना। वैसे मैं थोड़ा मन मेरा इसीलिए दुख रहा है क्योंकि मैं तैयारी करके आया था ब्रिटिश लैंग्वेज, इंग्लिश, मैं इंग्लिश में शो करने वाला था। भाभी कपिल भाई ने मुझे पूछा था, जैसा लंदन जाना है ब्रिटिश आती है इंग्लिश? मैं हाँ जी भाई बिल्कुल, कहते बोल के दिखाओ। मैंने कहा दुगना लगाम देना पड़ेगा भुवन। बोले ये क्या है? अगर लगान में ऐसे बोला था अंग्रेज, अब अंग्रेजों की अंग्रेजी बोलती, इससे ज्यादा अंग्रेजी क्या बोलू। इसे मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैंने जो सीखा है मम्मी जी फिल्में देख के सीखा, टीवी से। मैंने तो पहली जो हिंदी लाइन पढ़नी सीखी थी ना, रुकावट के लिए खेत में देखी, ये वाली थी। और मेरी अभी तक आंसर शीट
लुधियाना चले जाओ, मेरे स्कूल ने संभाल के रखी हुई है, जिसके पहले पेज में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इस आंसर शीट में लिखे सभी जवाब काल्पनिक है, इसका किसी भी किताब या लेखक से कोई संबंध नहीं। अगर ऐसा होता है मात्र एक संयोग। अगले पेज पे पर्यायवाची शब्द स्कूल पुरानी हवेली, स्कूल फीस लगान, पीटीआई शक्तिमान, पीटीएम मिशन कश्मीर, रिजल्ट आंधी, पास चमत्कार, फेयरवेल इंडिपेंडेंस डे और प्रिंसिपल मृत्युदाता। वैसे जितने लोग यहां बैठे हैं ये पुरानी फिल्मों के मैंने नाम लिए है ना, जो मजा पुरानी फिल्मों में था आय हाय, मानते हो मेरी बात आप, पुराने गाने पुरानी फिल्में। लेकिन अपने लिए तालियां बजाओ, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जितने लोग 2000 से पहले वाले ही हैं ना, जो पैदा हुए, कोई 80 दशक में आया, कोई 70 में, कोई 90 में, हम लोग वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दुनिया चेंज होती देखी है। हम वो हैं जिन्होंने चाचा चौधरी से सपना चौधरी तक का क्रेज देखा। हम वो हैं जिन्होंने करीना से लेकर कोरोना तक का जलवा देखा। करीना के पास सैफ है, कोरोना में कोई सेफ नहीं था। हम वो हैं जिन्होंने लैंडलाइन फोन देखे थे, वो वायर के साथ बने होते थे, इंसान आजाद था। आज इंसान उसके साथ बन गया, फोन आजाद हो गया। जब हम बच्चे थे तो रेशमा की जवानी आई, जब शीला की जवानी हमारे बच्चे हो गए, लेकिन चेंजेस बड़े हैं। हम जब छोटे थे हम सोचते थे करियर कैसे बनाना, आजकल बच्चे सोचते हैं वीडियो कैसे बनाना है, रील कैसे बनाना है। पहले सोचते सक्सेसफुल होना, आजकल सोचते वायरल होना है। सारा कुछ तो मोबाइल पे हो गया, फोन आता है टिंग टॉन्ग, रिश्ते के लिए एक दबाएं, शादी के लिए दो दबाएं और दूसरी शादी के लिए पहली बारी पे गला दबाएं। ये सब हो गया। हाँ उनको ज्यादा समझ आया। और लाइट जला के रखो भाई, मैं तो दिन में नजर नहीं आता। अच्छा हाँ जला दो यार, जला दो कोई बात। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है सच में जैसे पुराने मोहल्लों में किराए पे वीसीआर लेके नहीं आते थे देखने आते थे। मुझे लगा सब यहाँ बिजी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो कपिल शर्मा को प्यार करते हैं आप उसकी टीम को, तो इससे पता चलता है कि आप अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। एक बार तालियां जोरदार। आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन अच्छा लग रहा है। जब आप बीच बीच में तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, बजाते रहिए। पता क्यों, जब तक स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हैं ना स्टेज पे, नीचे से रिस्पॉन्स ना, ऐसा लगता है सत्संग हो रहा है। और आपको पता है आजकल सत्संग किधर हो रहा है, जेलों में हो रहा है। वैसा भी मेरा कोई आइडिया नहीं है, अभी मैंने थोड़े पैसे वैसे कमाने हैं, शादी भी हुई है। तो आजकल देखो ऑनलाइन का जमाना है, बाबा भी ऑनलाइन आ गए आजकल, क्योंकि जब से बाबा खतरे में है ना। आपको पता है भारत में बाबा, कोई बाबा हनी बेच रहा, किसी बाबा को हनी बेच गई। तो मैं हमारे मोहल्ले में है बाबी जी सोशल बाबा, तो सुबह सुबह पता ही मिमिक्री करके प्रवचन देता और लोग अपने उसे निवारण करवाते हैं। सुबह सुबह बोलता है आत्मा और परमात्मा देख ले, आज देखूंगा फिरोज खान की धर्मात्मा। जीवन क्या है, बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन, बुढ़ापे में अनुलोम विलोम। एक लड़की खड़ी होगी, बाबा जी मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, संत को दासी, चोर को खांसी, खतरे में डाल देती। एक राजस्थान से रहो पाया, अरे भाई मारे लुगाई जो है बड़ी तंग करती है घर पे, भाई महाभारत करके रखती है। भाई पहले एक वक्त था जब औरत के वस्त्र उतारे महाभारत हो गई, आज औरत को वस्त्र पहनने को कह दो महाभारत हो जाती है। आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं लाएगी, जींस टॉप पहनने वाली माँ का आंचल कहाँ से लाएगी। आज कैसे कैसे वस्त्र पहनने लगी, अभी उर्फी का वीडियो देखा मैंने, लज्जाहीन हो चुकी है। कैसी औरत है, सब पारदर्शी, सब कुछ दिखाई देता है। अब महाराज सत्संग सुनाइए, मूड मत बनाइए। मूड का तो ऐसे है, इंसान के दो ही मित्र होते हैं, क्लास वाले ग्लास वाले, बाकी सब मोह माया। माया इतनी भी मत कमाओ, तुम पीछे रह जाओ, पेट आगे निकल जाए। इसीलिए सुबह वाले दोस्त बढ़ाओ, शाम वाले काम करो। पंजाबी खड़ा हो गया, मारा सुबह वाले बढ़ाए जी, सारा सुबह पीता ही कोई नहीं, तुम क्यों पीते हो। मारा मैं बड़ा परेशान हूं, मेरी जिंदगी में कोई मेरी पहचान ही नहीं बनी। भाई प्राणी की पहचान मरने के बाद ही बनती है। कैसे, मरने से पहले नॉर्मल चिकन, उसके बाद बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, तंदूरी चिकन, चिल्ली चिकन। अरे महाराज जोक मत सुनाइए, हमें यह बताइए घर में शांति कैसे लाएं। पिछले दरवाजे से
मैंने जब से सोशल मीडिया ज्वाइन किया है ना, तब से पूजा अर्चना में मन नहीं लग रहा। मेरे पास भेज दो, क्या पता मेरा लग जाए। एक बंदा खड़ा हो गया, महाराज मेरे साथ विचित्र घटना हुई। कल रात को मेरी नींद उठी तो मैं जागा, देखा मेरी वाइफ सर से लेकर पांव तक सफेद चादर में लिपटी हुई थी। उसके अंदर सरकार सर के पास एक प्रकाश पुंज मंडरा रहा था। क्या उसमें कोई दिव्य शक्ति आ गई है? तुम्हारे दिमाग में एरर आ गया, वो तुम्हारा मोबाइल चेक कर रही होगी। अपना पासवर्ड चेक कर दो, नहीं तो दिव्य शक्ति के चक्कर में तेरा तलाक हो जाएगा। एक रिपोर्टर खड़ा हो गया, महाराज आजकल जो OTT के नाम पर अश्लीलता फैल रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? फुल HD में खुद को बना काबिल इतना कि हर लड़की तुझ पे लाइन मारे और तू कहे उस रूट की सभी लाइन व्यवस्था के पर दोबारा भाई। हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक टाइम था बाबा के नाम पे ऐसे हो जाता था आदमी, आजकल बाबा के नाम पे हंसता है ना। अभी जैसे क्या फर्क कैसे आ जाता है, अभी मैं ना वहां बाहर खड़ा थे, गोरा मेरे पास खड़ा है, उसको जितनी इंग्लिश आती मुझे उतनी हिंदी है, समझती था गंगा ये राम तुम लोग इंडिया यहाँ पर आके परफॉर्म कर रहे गुड, लेकिन हमने इंडिया को बहुत कुछ दिया है ना। कैसे? हमने रॉकेट दिया, प्लेन दिया, हेलीकॉप्टर दिया, रॉबेट दिया। मतलब तुमने जो दिया हमें पता, हमने जो दिया तुम्हें पता? बोले क्या? मतलब भूत प्रेत जादू टोना वशीकरण मंत्र खून के छींटे पड़ना सौतन से छुटकारा मन चाह प्यार पाए 10 दिनों में मर्दाना कमजोरी बाबा बंगाली। हाँ बजा सकते हैं। इन्होंने गोरों ने हमें कंप्यूटर दिया था ताकि हम तरक्की करें। इंडिया में जाकर देख लो हर मोड़ पे लिखा है यहाँ कंप्यूटर का जन्म पत्री भी बनाई जाती है। तो हमारा टैलेंट, हमें लोग अनपढ़ समझते हैं। अरे इंडिया तो इतना पढ़ा लिखा है, पूरी दुनिया में इंडिया पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है हर दीवार पे लिखा होता है यहाँ लिखना मना है, और उसके नीचे कोई लिख जाता है शराब शराय शराबी को बिना डॉक्टर पी के गिर पड़े। तो ये चीजें मैं जब याद करता हूं ना तो मुझे अपना पुराना टाइम याद आता है कि जितना OTT टेक्नोलॉजी आ गई आदमी उतने फ्रस्ट्रेटेड हो गया। पहले एक टीवी था शांति, याद है मोहल्लों में अमीर कौन होता था जिसके घर से आवाज आती थी शर्म लिहाज इतनी, औरतें तो औरतें टीवी भी घूंघट वाले होते थे, शटर उठा के देखने पड़ते थे। एड आज तक याद है, टैंग वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी फोटोशॉप से आए, काली काली लड़कियां भी खिली खिली जाए। Thanks to Viva Oppo। लेकिन मेरा फेवरेट था रामायण। इतिहास अपने आप को दोहराता है। सुना जब लेट 80s में रामायण आती थी तो गलियां सुनसान हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाता। लॉकडाउन में जब कर्फ्यू लगा रामायण फिर आई, समझाने के लिए आती है ना कुछ तो। लेकिन बचपन में कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ तीर आते थे ना तीर। एक मिनट भाई, माइक थोड़ा सा आपका यूज कर सकता हूं? थैंक यू मिस्टर दिनेश, ये उतारिए जरा, धन्यवाद। नहीं यही चाहिए, मेरे पास है। अच्छा माइक चेंज करके बाद मेरा गर्लफ्रेंड भी चेंज करो। ऐसे दिनेश भाई मुझे पता है, कपिल भाई ने सब बताई नहीं आपने। अच्छा मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा लेट 80s में आपकी यादें। हाँ तो बोल रहे हैं, चलो कोई नहीं, कोई बात अपना ही है। रामायण में अब याद करो, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था जब युद्ध वाले सीन होते थे, है ना। अगर तीर चले स्क्रीन पे तीर आए, अगर तो सामने वाला गायब तो स्माइल, अगर अपना गायब। लेकिन मैं एंजॉय करता था पीछे जो युद्ध वाले बंदे, आप YouTube पे भी निकाल के देखना उनकी स्पीड देखना, सामने तो जोर से लड़ रहे, पिछले कैसे लड़ रहे होते। ए 3 घंटा हो गया, मार दे मार दे। तो पता है यार 10 रुपए मिलने क्यों जोर लगाए। लेकिन क्रेज इतना होता था, मुझे याद है आंटी जी आपको पता है जब रामायण में रावण का वध होने वाला था उस दिन सारा मोहल्ला हमारे घर में दब दब, 8 से 9 रामायण आती थी, रावण मरने वाला है, फिर राम ने तीर निकाला, लोहरी मरने लगा,
जैसे दिल निकाला मंगल बाबा नया मंगल हारे। अगले हफ्ते मरेगा रावण जाओ। फिर उसके बाद ऑडियो कैसेट का जमाना, ये बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, हमारी भतीजी बैठी है कैम्ब्रिज वाली जाएगी, इसको क्या पता, 90s वालों को पता है एक जमाने में ऑडियो कैसेट और पेंसिल का भी रिश्ता था। जब कैसेट फंस जाती थी आशिकों की तो पेंसिल ही काम आती थी। अच्छा गाने तो गाने हैं, हमें ऐड भी याद थी अमीन सैनी की, इस साल का सुपरहिट शानदार लेके आ रहे हैं वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन, साथ में कम सिंह मधुर, मैंने प्यार तुम्हें अब चाओ। मेरा मामा दुबई गया, नानी बड़ी उदास बैठी, कहती वो कैसेट लगा लो, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई याद कर लो। वो कैसेट लगाई, गलती से फंस गई, सारा टब्बर बैठा, गाना लगा, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का। इस चक्कर में मेरी, मैं उसमें फिल्में भी ऐसी आती थी, मैंने प्यार किया, दिल, आशिकी, एक ही सपना होता था, फटाफट कॉलेज जाएं, बड़े हों, लड़की पटाएं, भाग के शादी करें, ऐसा लगता था यही काम के लिए दिल में है। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने भाग के शादी की, लेकिन मुझे ले जाना भूल गई, पंगा पड़ गया कैसेट का। उस समय क्या होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था, लड़की आई ना अपनी माँ के साथ, लड़की पहले निकली गली के मोड़ के, अंदर से आवाज आई, मुलाकात हो गई, उसकी माँ दिखी, जिससे डर वही बात हो गई। सोचा रात को चक्कर लगा के आता है शायद दिख जाए, गाना बजा, दिल कहता है चले उनसे मिल, उसका भाई आना है जो चिट लगाता है, उठ के जाते। फिर मेरे पे 10 साल लड़की ने गाना भेजा मुझे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मैं इतना धीरे धीरे गया जब तक गया उसके 2 बच्चे हो गए। मैं कह ये क्या, कहती क्या बच्चे, बोले मम्मी ये कौन है, कहती बेटे मामा है। ब्लूटूथ ऑन किया, गाना आया मामा वो खल्लू मामा, तो ये सब चलता था। उसके बाद आजकल PVR आ गया, मल्टीप्लेक्स, रिक्लाइनर सीट, लेकिन वो मजा नहीं जो सिंगल स्क्रीन, 10 बजे का शो, 8 बजे लाइन लगा लेते थे, आज ऑनलाइन टिकटें होती, पहले लाइनें लगती थी, बंदा सुबह खड़ा होता था, क्या हुआ, फिल्म देखने आए, कौन सी, जोर था, तो ऐसे क्यों मुंह किया, जोर का लगा भी है तो जाते क्यों नहीं, नहीं चला जाते और खड़ा हो जाए, बंदा साले चला जाए, मैंने तो और नहीं, यहां को भी खड़ा रहेगा, चल भाग यहां से। अच्छा फिल्में तो फिल्में, पोस्टर देख के एंजॉय करते, हाँ काफी गुंडा लोगन है, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, रंजीत है, मिथुन का बहन जरूर उठेगा, हवेली ले जाएगा, ये रंजीत जो है, शक्ति कपूर रंजीत बहुत इज्जत कमाया, क्योंकि सबसे ज्यादा इज्जत यही लूटा। अभी फिल्म देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, 15 मिनट जाता है, 15 मिनट मजा ही नहीं, पहले एक्सप्रेशन से पता चलता था सिंगल स्क्रीन में कौन सी टिकट ली है, बालकोनी वाले ऐसे, कपिल भाई अब गिनी भाभी के साथ बैठे हैं, गिनी पॉपकॉर्न है उसको, नाइस प्राइस, एक हाल वाले होते थे, एक मेरे जहां सबसे आगे 5 रुपए वाली, अगर मिथुन कर जा रहे मुंडी कैसे जा रही, गलती से लड़का लड़की रोमांस कर रहे, ऐसा लगता था कि टेबल टेनिस का मैच चल रहा, और शर्तें लगाते थे वहां पे लोग, अभी देखना जानी दुश्मन में शत्रु जो है घोड़ा से गिरे, हाँ हीरो थोड़ी गिरता, शर्त लगा ले गिरेगा, शत्रु गिर गए, गिर गया पता कैसे, हमको कैसे पता, हमने पहले पिक्चर देखा हुआ है, साला देखा तो हमने भी है, हमने सोचा गिर गिर के सीख क्या होगा, साला फिर गिर गया। तो पुरानी फिल्मों का मजा है कि नहीं, अभी मैं थोड़ा सा आइकॉनिक फिल्मों को याद करता हूं जो आपको भूली नहीं, सोचिए आजकल का जमाना चेंज हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अगर यही फिल्में पुरानी आजकल बनती, जब सोशल मीडिया 30 साल पहले आया होता तो कैसे डायलॉग होते, ठीक है भाई, शोले फिल्म, शोले में गब्बर सांबा से पूछ रहा है, अरे ओ सांबा कितना पैसा दिया था तुम्हें रिचार्ज करवाने को, सरदार पूरे 50 रुपए, सुअर के बच्चे इसमें 45 रुपए पहले से, 5 रुपए कौन खा गया, प्रीपेड में 5 रुपए कम ही मिलता है, किसकी दुकान से रिचार्ज करवाया, सरदार वो टुंडे ठाकुर, फोन लगा उस टुंडे ठाकुर को, फोन गया संजीव कुमार के पास,
रामला हेलो 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 हैंसी ठाकुर, हम गब्बर सिंह बोल रहे हैं। हमने तेरे दोनों हाथ काट दिए थे, फिर तू फोन पे बात कैसे कर रहा है? हराम ज्यादे गरीब डाकू, मैंने ब्लूटूथ के हेडफोन लगाए। एक मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है करण अर्जुन पुनर्जन्म वाली, उसमें अमरीश पुरी राखी को छेड़ रहा है ऑनलाइन। अरे बुढ़िया, अरे आज बुढ़िया ऑनलाइन नहीं आई, लगता है उसकी काम वाली भाई नहीं आई। अरे बुढ़िया, आज तो तेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, आज तू क्या करेगी? राखी दुर्जन सिंह, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो नया चार्जर लाएंगे, फिर रात को 2-2 बजे तुम्हें गंदे मैसेज भेजूंगी। फिर मेरी बड़ी फेवरेट मेरे उस्ताद सुनील शेट्टी साहब, बॉर्डर, बॉर्डर में उनकी वाइफ चिट्ठी लिखती तो बाप बनने वाला, रोते हैं अभी व्हाट्सएप पढ़ के रो रहे हैं सुनील शेट्टी। उधर से कुलभूषण खरबंदा आते हैं, अरे भगवान तेरा भला करे पैरों से, अरे शेर की आंख में आंसू गया तो खुशी के आंसू है सर, घरवाली का मैसेज आया मैं बाप बनने वाला। अरे भाई मुबारक, वही देखना एक दिन मैं भी बाप बनूंगा। आप बाप नहीं बन सकते सर। क्यों भाई? आपसे मुंह तो खुलता नहीं, बेडरूम का दरवाजा क्या खोलूं। अरे तू तो कहता था कि तेरा 3-4 साल से बीवी के साथ झगड़ा चल रहा है, फिर बेटा कहां से? ए, 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 ए। मैं 2-3 बार माफी मांगने भी तो गया हूं। हाँ कईयों को कल समझ आएगा, कोई ना बता देना। एक पुरानी फिल्म हमारे राज साहब के जमाने की, मदर इंडिया, मदर इंडिया याद है आपको, क्लासिक फिल्म, उसमें सुनील दत्त कन्हैया लाल के पास आते हैं। लाला मेरी माँ को मिस कॉल मारना छोड़ दे लाला। अरे बेटा, अरे लक्ष्मी समझा इसे, अरे बेटा तो खुद नंबर दे के गई थी बेटा, अरे मेरे मार मत बेटा। मैं कहता हूँ मुझे हवाले कर दे, मैं कंगन नहीं, मैं दूसरा कंगन भी गिरवी रखने आया हूँ। अरे क्यों बेटा? मुझे आईफोन लेना, तेरी बेटी को पटाना है। अभी मेरा फेवरेट सीन है, भाभी जी का भी है, दिलीप भाभी का, जीत फिल्म का डायलॉग है, सनी देओल, जब उसे पता चलता है कि कृष्णा कपूर की शादी सलमान से होने वाली है, उसको धोखा दे रही, सनी आता है ना वो लोकनाथ बैठा होता है सड़क पे, थोड़ा सा मैं याद करवाता हूँ, सनी आता है, काजल बाबूजी मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे साथ एक मुजरिम के साथ। अब मैं मुजरिम नहीं या बाबूजी, ये वाला ना, अभी सोशल मीडिया के जमाने आ गया तो सनी कैसे एंट्री मारते हैं। बाबूजी मैं काजल को काफी देर से फॉलो कर रहा हूँ, वो भी मुझे फॉलो बैक करती है, हम ऑनलाइन सब कुछ कर चुके हैं बाबूजी, तुम्हारे साथ एक हैकर के साथ। अब मैं हैकर नहीं रहा बाबूजी, काजल ने मुझसे सारा सोशल मीडिया शुरू दिया, देखिए मेरे पास फोन भी नोकिया वाला है, लाल बटन वाला। काजल तुमको नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रही? चले जाओ, हमने तुम्हें अनफॉलो कर दिया, सभी आईडियों से ब्लॉक मार दिया, तुमसे थोड़ी चैटिंग क्या कर ली, तुम तो वॉशरूम में भी वीडियो कॉल करते रहते हो। मुझे गलत मत समझो काजल, वॉशरूम में वीडियो कॉल इसलिए करता हूँ क्योंकि वहां पर पड़ोसियों का वाईफाई फ्री मिलता है। अरे इतना तो बाबूजी बीपी चेक नहीं करते जितना मैं तुम्हारा बीपी चेक करता हूँ। अरे तुम एक्सरे की फोटो भी डालती हो, मैं वहां भी लिख देता हूँ, नाइस पिक्चर दी है। चले जाओ, मत भूलो जिससे हमारी शादी हो रही है उसके अकाउंट में ब्लूटूथ लगा है, वो हमें ऑनलाइन शॉपिंग करवाता है, तुम कभी कभी मुझे शेयर कर सकते हो। काजल मैंने तो तुम्हें अपना पक्का पासवर्ड बनाने की सोची थी, लेकिन तुम्हारे लक्षण ओटीपी वाले निकले, मत भूलो कि तुम्हारे सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हैं, अगर तुम्हें उसकी एक भी नोटिफिकेशन आई तो तुम्हारे सारे वीडियो वायरल कर दूंगा, और सबसे पहले टैग उसको करूंगा जो ये स्टेटस डालेगा गॉट मैरिड विद काजल, वायरल कर दूंगा तुम्हें, वायरल हो गया कदम। वैसे वक्त ठाकुर साहब आ गए हैं, ये जब सुरीला बंदा गाने लगता है पहले बेसुरा आ जाता है। आप खड़ो एक गाना लास्ट में, इजाजत है? नहीं सुनो, पहले तो मैं सुनाऊंगा पक्का, हमारे यही होती है। हाँ अभी हर 26 जनवरी 15 अगस्त को 4 फिल्में दिखाई जाती हैं, कौन कौन सी? कर्मा, गदर, तिरंगा। मुझे समय में नहीं आती,
आजादी में अंग्रेजों से मिली थी, दिखाते पाकिस्तान वाली रहते फिर मैं। अभी अगर उस समय पाजी कर्मा के टाइम चाइनीज फोन वाले अपना प्रमोशन करें, नसीरुद्दीन शाह अपना चाइनीज फोन लेके आए हैं, तो वो कैसे अपना देशभक्त का गीत गा रहे हैं, रखना पाजी सुन। मेरा नोकिया तू, मेरा सैमसंग तू, मेरा ब्लैकबेरी तू, मेरा आईफोन तू, हो चाइनीज वालों ने मुझे बोले एक साल की गारंटी है, साला लगा दे फट गया, इनको तो गाली भी नहीं देते, कीड़े पड़े साले कीड़े भी खा जाते हैं। सो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़े वाईफाई। एक और है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। दो का तालियां हो जाए, दो का तालियां। अलग अलग रंगों के साथ हम आपके लिए लाए हैं द कपिल शर्मा शो। अब आई है मेरी बारी, अब मुझे परफॉर्म करने दो। हेलो हेलो ठाकुर, ओ पीछे जा फटाफट, क्यों वो पीछे गंदे मुंह पकड़ने वाली गाड़ी अपनी है, जल्दी। यार तू कैसी बातें कर रहा है, तुम्हें पता है कि इमरजेंसी आज किया है, सिक्योरिटी ये गाड़ियां भगाओ जाए बाहर से। वो सारे गोरे हैं, गाड़ियां बखाओ इधर से, वो यूपी से हैं बेचारे। तेरी तो घर वाले नहीं सुनते, सिक्योरिटी वाले तेरी कहां सुनेंगे। नॉर्मल आदमी घर में बेल बजाता ना, आवाज आती टिंग टोंग, ये बेल बजाता कहते तू कौन, जा यार बाहर। ऐसी बातें मत कर, पहले जब से मैं आया सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, कोई बोला आओ ब्रेकफास्ट पे आओ, लंच पे आओ, डिनर पे आओ, तुम क्योंकि तू ही शक्ल से भूखा लगता है तेरे को पता है। अब मेरे को ये दिल भाजी बोल रहे कहते अच्छा कि आप इसको ले आए, इसका मुंह दिखा के हम यूके गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हैं। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन बारी देरी है क्योंकि लोगों ने मुझे बोला है वंस मोर। ओ जा, पैदा होने के बाद तेरी मम्मी ने बोल दिया तेरे बाप को कि नो मोर, तो बड़ा आया जा यार वो, क्योंकि मेरे डैड ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी है बॉस। ये मेरा कसूर है, मैं इसको सीधा लंदन लेके आया, मुझे इसको पहले दिल्ली लेके जाना चाहिए था, दिल्ली अंबाला घुमा के फिर इधर लेके आना चाहिए था। और मेरी क्लासमेट रहती है यहाँ पे और आपको रेड वाइन की बोतल देगी, इसमें उसमें दूध डाल के रूह जा बना के पी गया रात को, इतना बेवकूफ है ये। अब दो गिलास इसने भी पिए थे और पीने के बाद कहता ओहो मुझे लगता है किसी भैंस शराबी भैंस का दूध दे गई है। पर मैं वैसे मजाक करता रहा, इसकी रिस्पेक्ट बढ़ी है पता है। ये वीजा लगवाने गया ना लंदन का, ऑफिसर ने पूछा कहता आपका वीजा कभी रिजेक्ट हुआ है, कहते नहीं, कहते येलो फिर। आपको पता है कितना फ्लर्ट करता है हीरोइनों के साथ। वीजा लगवाने गया वहां पर गोरी बैठी हुई है एकदम है, उसको कहती कहती व्हाट इज द पर्पस फॉर योर यूके विजिट, कहता बस आप ही जैसी गोरियां देखनी है। ये क्या कुछ नहीं, वैसे टैलेंट है और क्या, तेरे को क्या है। और तुमने सारे टैलेंट मेरी आइटम में दिखाने होते आगे। ये फ्लाइट में गया था एक आदमी ने बैल बजाई, वो यार उससे कहता मैं हाथ पीऊं, कहता एक जूस देना, उसको देख के ये भी कहता कहता मेरे लिए भी, कहते तू भी जूस मांगेगा तो संतरे कौन छीलेगा बे। अच्छा एयर हॉस्टेस अनाउंसमेंट करती है ना आप ये बटन दबाएंगी तो मैं आज जाऊंगी, उसको कहता कहता ये बटन अपने बेडरूम में लगवा लूं। ये फ्लाइट में बैठा एयर हॉस्टेस आई, कहती एक्सक्यूज मी सर वो फ्रंट रो में ना किसी को वॉमिट हो रहा है, तो कहता आई एम नॉट ए डॉक्टर, कहती नहीं नहीं आपकी शक्ल देख के हो रहा है, मुंह पे कपड़ा डाल। ओ यार अच्छा एयर हॉस्टेस आई ना तो इसको पूछा उसने कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, कहता कर तो बहुत कुछ सकती हो पर यहां दुख बहुत है। एयर हॉस्टेस कहती इस फ्लाइट में टोटल 8 द्वार हैं, कहता है एक हमें दे दो हमारे बाथरूम में नहीं है, ऐसी बेइज्जती करवाता है बाहर जाके। यार मैं ठीक है तेरे को इतनी प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ पर कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो मैं ग्रीन कार्ड लेके यही सेट हो जाऊंगा। तेरा आधार कार्ड बड़ी मुश्किल से मिला ग्रीन कार्ड, ये लड़की देखने गया। लड़की के पापा ने पूछा कि लड़के इसके पापा ने बोला कि आपने हमारा लड़का देख लिया, कहते जी हमें तो चलो आज ही देखना था, आप रोज रोज कैसे देख लेते उसको। अच्छा जब ये पहली बार लड़की देखने गया था ना तो पूछते ना कि आप चाय में चीनी कितने लेंगे, कहता चीनी हमारे घर में अगर थोड़ा आटा दे दो तो।
ये लड़की देखने गया, लड़की की बहन ने आगे चार कहती जीजू जीजू जूते उतारो ना, कहता जूते तो शादी में चुराते, कहती चुराने नहीं है मारने हैं आपकी। अच्छा ये उसके बाद फिर लड़की देखने गया, उसके बाद फिर लड़की देखने गया, लड़के के बाप ने कहा, लड़की के बाप ने कहा कि बेटे आगे का क्या सोचा है, कहता आगे सर हमारे यूके में शोज है, कहता नहीं बेटे आगे फेस का क्या करना है। अच्छा ये लड़की देखने गया तो लड़की के बाप ने पूछा कि लड़की कैसी लगी, कहता लड़की तो ठीक है, इसके भाई को अगर साड़ी पहना दो तो कुछ हो सकता है। लोग शादी में सेहरा बांधते हैं ना, इसने तो चलो बांधना ही था, इसकी घोड़ी ने भी बांधा हुआ, घोड़ी मुझे जानती थी, मैं कहा रेशमा बात सुनकर आई बाजी, मैं कहा तुमने क्यों सेहरा बांधा हुआ है, कहती पाजी इसने तो एक बार शादी करनी है, मेरा रोज का काम है, अगर किसी को पता चला गया दूल्हा मैं डिलीवर करके आई हूं, मेरा तो करियर खत्म है। अब बता, अरे ये जिस घोड़ी पे बैठा ना, घोड़ी नीचे बैठ गया, मैंने नहीं जाना। मैं कहा क्या होगा, कहता जो कल तक मुझे नहलाता था आज मेरे पे बैठ के जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैं वहीं था। ये अपनी बीवी को स्वागत वाला दिन कहता, देखो मैं बड़ा ओपन माइंडेड हूं, तुमने अगर मुझसे कुछ भी छुपाया अब भी बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसने चादर उठाई, कहती मोहित को जाने दो, इसका कोई कसूर। अच्छा पहली जब सुहागरा आपने इसने घूंघट उठाया, घूंघट उठा दिन को कहता कहता वेलकम टू कपिल शर्मा शो, आगे से वो कहती कहती एक बात हो, आगे इरादा क्या है, हनीमून या प्रमोशन। इसकी बीवी ना गलत वाले दिन हाँ हल्दी वाला दूध लेके आ गई, वो कहता कहता ये तो चोट लगने में पीते हैं, उसने मुंह पकड़ा कहती अलग अब पी। अच्छा तो वो मुंह ना दिखाए, मुंह ना दिखाए, कहता मुंह तो दिखाओ, उसने जब उठाया घूंघट उसने इसका मुंह देखा, कहती चल। अच्छा हंसाने के लिए कुछ भी, इतने क्यूट फेस पे कोई थूक सकता है, नहीं क्यूट तो तू बचपन में नहीं लगा, कभी पैदा होते भी नहीं लगा तू, ये पैदा हुआ ना तो इसके घर वाले गए डॉक्टर के पास, कहते डॉक्टर साहब हमारा बच्चा रो नहीं रहा, कहते आपको बच्चे की पड़ी, हमारा स्टाफ नहीं चुप हो रहा कि हमसे रो क्या गया। अच्छा चलो मैं तो पैदा हुआ, ये तो पैदा ही नहीं हो रहा था, डॉक्टर परेशान पैदा क्यों नहीं हो रहा, कहते नहीं पहले अर्चना को बुलाओ वो हंसे क्यों ना आऊंगा। बात नहीं। अच्छा ये तो पैदा भी वहां हुआ जहां लिखा था सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा जब ये पैदा हुआ चल चल मैं वही नहीं पैदा, मुझे असेंबल किया गया था। अच्छा हुआ चाइना से असेंबल नहीं हुआ, इतना चल रहा है। नॉर्मली बच्चे पैदा होते तो घर वाले मोहल्ले में मिठाई बांटते ना, ये पैदा हुआ मोहल्ले वाले आपस में मिठाई बांट रहे थे कि शुक्र करो हमारा भी दरवाजा खुला था, हमारे यहाँ नहीं हो गया। ये जब हुआ डॉक्टर ने मुंह देखा इसका, इसके डैडी कहता आपने किया ये, वो कहते जी हाँ, कहते देखो भाई साहब करना है तो दिल से करो, नहीं तो ये सब मत करो। अच्छा जब ये पैदा हुआ ना उसे घर में बधाई मांगने वाले आए, आके इसकी शक्ल देख रहे सैड सॉन्ग गाने शुरू हो गए, कहता भाई को खुशी वाले गाओ कोई हंसी मजाक करो, कहते नहीं पहले ही आपके घर में चुटकुला हुआ है। बधाई मांगने वाले आए नहीं आए, उन्होंने कहा बच्चे घर में क्यों आएंगे बधाई मांगने वाले, उन्होंने नहीं आए मेरे घर में बधाई मांगने वाले, उन्होंने हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा लड्डू गिर गए थे, हमारा हलवाई बीमार हो गया था, नहीं आए हमारे घर में बधाई मांगने वाले। दिखा ले और टैलेंट दिखा ले, आपको पता है जब ये नहीं उनको कैसे पता होगा, ये पैदा हुआ बधाई मांगने वाले, उनका उसका मुंह देखा, उन्होंने एक दूसरे के बाल खींचे, ढोल की फाड़ दी, कहते ये लेके कौन आया था मैं यहाँ पे, लोग झूले में डालते ना इसके को, लोग झूले में डालते, उन्होंने झूले में डाला, डैडी इसके पिछले गेट से निकल गए। इतनी बार पैदा नहीं हुआ जितनी बार इसने पैदा होकर देख लिया। अब आप इसको देखो, मेरे को याद दीजिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। राजीव मेरे दोस्त के लिए, राजीव ये मेरा तारीफ कर रहा है, स्कूल टाइम का दोस्त है, क्योंकि बचपन नहीं पता होता कैसे लोगों से दोस्ती करनी है। पर अच्छा एक बात है, इसको नहीं पता था, मुझे पता था, मैंने सही दोस्त बनाया, चलो थैंक यू। पर ये मेरा भाई बहुत टैलेंटेड है, आपने टीवी में तो इसका पूरा टैलेंट देखा नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा इसका हम काट देते हैं, और बड़ा जनरल जनरल तालियां ठाकुर के लिए। यहां पे थोड़ी देर पहले मेरा दोस्त जसवंत कुछ बातें कर रहा था 80s 90s की, तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें आ गई, माहौल एक्चुअली बड़ा बदल गया आजकल,
अब तो नेटफ्लिक्स आ गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको पता कितने सारे आ गए। वो टाइम होता था ना पहले गांव में लोग मिलके वीसीआर लगवाते थे, बड़ा पर्दे पे फिल्म देखते थे, पूरा पूरा गांव देखता था। आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा, पुराने हमारे दोस्तों को पता होगा, एक पर्दे पे फिल्म लगाते थे, पूरे गांव वाले बैठे हुए देख रहे हैं। विनोद खन्ना डाकू है, पीछे पुलिस पड़ी है, पीछे हमारे दिल में कुछ होता था विनोद खन्ना पकड़ा ना जाए। विनोद खन्ना तो नहीं पकड़ा जाता था, हवा आती थी पर्दा गिरता था, पीछे गांव का सरपंच पकड़ा जाता था, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाता हुआ। कई बार पर्दा भी मिलता था, दो बुजुर्गों की धोतियां जोड़ के चला लेते थे वो, तो देखने वाला मंजर होता था। क्या होता था, फिल्म तो सीरियसली शूट हुई है, फिल्म चल रही है, लेकिन हवा से पर्दा हिल रहा ना, तो उस पर जो काम करने वाले कलाकार वो भी हिलने लगते थे। सीरियस फिल्म चल रही, मुझे नाम भूल गया, जया बादवी जी और साथ में एक बुजुर्ग एक्टर थे, और बेचारी बड़ा सीरियस सीन चल रहा है लेकिन पर्दा हिल रहा है, तो लग कैसे रहा है देखने में। कहती बाबू जी अब मैं रमेश के साथ एक पल भी नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है यहां, आप मुझे मायके भेज दीजिए। बाबू जी खड़े धोती पहन के बुजुर्ग आ गए, देखो बेटा शादी जो होती है तो दो पहियों की। अब तो ये कॉर्डलेस माइक आ गए ना, ऐसे एक ऑर्केस्ट्रा वाला टाइम होता था जब लंबी तार वाले माइक आते थे, तो बेचारों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। आजकल तो सिंगर बड़े सारे गिमिक्स करते हैं, ये अब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, डांसर्स लेके आते हैं। पहले सिंगल बेचारा जाता था, सिंगल अकेला आदमी पीछे उसका बैंड, वो तार के साथ ही खेलता रहता था, क्योंकि करने को कुछ और होता नहीं था। शादी के शो में गया, दुल्हन आ रही है तो गाना शुरू कर देता था, दूल्हे को गुस्सा आ रहा था कि साले पैसे मेरे लग गए, महबूब तेरा आ रहा है। आजकल तो डीजे का फैशन आ गया, आज आप जाओ हिंदुस्तान में जितने प्रोग्राम होते हैं डीजे वाले क्या रोकते नहीं है माहौल को, वो अपनी प्रमोशन भी साथ साथ करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, गाने में उनके ऐसे होते ना, कागज कलम दवा लेना लिख तू दिल तेरा करो, कागज कलम दवा लेना लिख तू दिल तेरा करो, दिल क्या तू जान भी मांगे तो दे दो दे दो दे दो, डीजे पप्पू जिला झज्जर शादी और बर्थडे पे संपर्क करो, सारे दिल टूटे वाले लोग बैठे होते हैं। कोई बीवी से लड़के आया, किसी का ब्रेकअप हुआ, किसी का तलाक हुआ है, 40 रुपए की ड्रिंक मिलती है, वहां पे गाने भी सड़े सड़े चलते हैं, क्योंकि पता होता है कि सामने भी बेचारे दिल टूटे वाले बैठे हैं। ये लाइट कम कर दे, मैं नोरा फतेही खड़ी स्टेज पे, ब्रो कैन यू प्लीज रिड्यूस सम लाइट, थोड़ा एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, बस बहुत है। वहां पे गाने कैसे चलते हैं, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, लब तक आते आते हाथों से सिंगर्स की एक चीज बताता हूं, कभी आप आगे से सिंगिंग शो देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा। ये जो सिंगर होते हैं ना बड़े तेज होते हैं, इनको पता होता है कि कौन से माहौल में कैसा रंग बनाना है। जैसे आज तो टिकटेड शो है, हर तरह का काम हो रहा है, कभी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं ना, जब उनको पता है पैसे जो देने हैं बॉस ने देने, जो आगे बैठा हुआ है, तो वो सिर्फ बॉस के लिए गाते हैं। बॉस है कोई 70-75 साल का, ड्रिंक लेके बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अपनी सेक्रेटरी को देख रहा है सीमा नाम की, तो ये बॉस को आइडिया देते हैं, उसी के लिए गजल गाते हैं कि आप, आपके लिए चंद लाइनें पेश कर रहा हूं। देख लेते हैं स्टेज से कि बॉस बार बार देख रहा है। मेरा बॉस क्या नाम है, सेक्रेटरी वहां पे है, होंठों से छू लो मेरा मेरी प्रीत
मैं आपकी सेक्रेटरी खड़ी देख रही हूँ, आइडिया देता बॉस को कि उम्र में क्या रखा है। बॉस थोड़ा बूढ़ा है, वो थोड़ी जवान है। ना उम्र किसी बात हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल तन मन। कई बार क्या होता है, फैमिली साथ में जाती है, आदमी लोग क्या थोड़ा एंजॉय ज्यादा कर लेते हैं। मैं भी कभी अपनी बीवी के साथ फंक्शन में जाता हूँ, तीन चार ड्रिंक मार के थोड़ा बंदा सेट हो जाता है, फिर पता नहीं चलता सामने कौन गा रहा है। कुमार शानू भी गा रहा हो तो उसको अपनी फरमाइश करते हैं, हेलो सुनो निगम, ए लता जी का गाना हो जाए आशा भोसले की आवाज में। उस आदमी को पता चल जाता है कि ये तो आदमी ये सेट है, उसकी बीवी ध्यान से सुन रही है, पूरा फोकस बीवी पे कर देते हैं, बीवी की आंखों में देख के शुरू करते हैं। अच्छा मैं जिनकी गजल गा रहा हूँ, ये जगजीत साहब की गजल है, मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत महान कलाकार थे, हमेशा ही जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में। इन एक एक को पकड़ लेते हैं गजल वाले कि ये सामने मोहतरमा बैठी है, मैं तो फिलहाल अपनी बीवी की तरफ देख के गाऊंगा। तो वो किस तरीके से फोकस करते हैं उस पर, कोई फरियाद तेरे दिल दबी हो जैसे। वो भी देख रही है पति तो पी के साथ पैक तरीके लेट रहा है, साथ साथ में गाने लगते हैं लेडीज। कोई फरियाद तेरे दिल दबी हो। मैं अपनी बीवी को देख रहा था, पाजी आपने बीच में आगे ना मेरा सारा इमोशन ही खराब कर दिया, मेरा रोमांस ही चला गया, सडनली मेरी बीवी के आगे दाढ़ी वाला आदमी आ गया। तूने आँखों से कोई बात कही हो ऐसे, जानते जानते कटी हो सुबह जब गजल का प्रोग्राम खत्म होता ना, आदमी उठता है बीवी को ढूंढ रहा होता है, वो फिर गजल वाले के साथ ही निकल जाती है। गजल वालों का ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं होता है, चार पांच लोग में होते हैं। कवाली वाले जो होते हैं ना, आप देखना 20-25 लोग आते हैं, इनका काम इसी वजह से कम हुआ तो पर प्लेट बड़ा महंगे पड़ते हैं। ये 25 में से 15 लोग तो जो ताली बजाने वाले आते हैं अपना घर से लेके आते हैं, उनको पता है अगर सामने से रिस्पॉन्स ना मिला अपने घर के लोग होंगे। तो ये पहले माहौल कैसे बनाते हैं, पता है कि शाम का वक्त है, लोगों के पैग वैग लग चुके हैं। शबाब पे रफी साहब का गाया हुआ गाना है, हिम्मत देखो मेरी, बड़े बड़े लोगों के गाने पकड़ लेता हूं मैं। शबाब पे ये गुलाब फेंकूंगा, ऐसे बज रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये भाई साहब ताली ऐसे नीचे को बजा रहे हैं, कहते भाई सीजन बड़ा हैवी चल रहा है,
कोरस वाला मिला नहीं, ये तंदूर में नान लगाता है, तो आज हम उसको ले आए। सॉरी, थोड़े शरारती हो जाते हैं, बाहर आते हैं, ये चीजें हम टीम पे नहीं कर सकते क्योंकि बड़े म्यूजिकल राइट्स का आजकल बड़ा चक्कर है। एक मेरे दोस्त है, मैं हालांकि मैं आप सबने को सुनी होगी आइटम मैन, बहुत बार स्टेज पे किया है, शमशेर नाम का एक मैं करेक्टर करता था पुलिस वाले का, अरे आपको याद है, उन्होंने एक बस पकड़ ली कलाकारों की बस पकड़ ली, और कलाकार कौन कौन से निकले, पंडित भीमसेन जोशी साहब, नए बच्चों को नहीं पता लेकिन 80s में जब टीवी नया नया आया था आप सबको याद होगा एक गाना आता था ना, अब मैं दो लाइनें सुनाता आपको याद आ जाएगा। मिलो सुर में तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का झूले कर पद से बैठे हुए नीचे। शुक्रिया पंडित जी के लिए जोरदार ताली, बड़े कमाल के लेजेंड आदमी थे शमशेर पाजी, नीचे पुलिस वाले बैठे थे। पंडित जी सुर तो आपके मिलते हैं, पता है लौंडे में पानी बैठे, उनको गाने ऐसे पसंद है, कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर आ, मुन्नी बदनाम हुई, तो ये मुन्नी शिला टाइप कुछ हो जाए, कुंडी ना खड़काओ, अब बेचारे वो क्लासिकल गाने वाले कैसे हो, मना भी नहीं कर सकते, पुलिस वालों का फंक्शन है, उन्होंने जैसे तैसे करके मोल्ड करके गाना सुनाया। शुक्रिया शुक्रिया आपके प्यार के लिए, ये सारे लेजेंड लोग हैं, मैं तो हंसी मजाक के लिए उनके गाने का ऐसे ही कुछ ऐसे पैरोडी कर देता हूँ, लेकिन ये हम उनके पाँव के बराबर भी नहीं है जिस तरीके के वो जितने बड़े कलाकार हुए हैं। फिर निकले हरिहरन साहब, हरिहरन साहब आपको पता ही है, वो अपना गाना गा रहे थे आपसे तो सुन के रहेंगे, उन्होंने एक सेकंड ही लगाया, मुन्नी रे मुन्नी रे तेरी कहा गई चुनी रे आगे दे जा जा। आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं तो मैं एक दो आपको ऐसी चीजें सुनाऊं जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं जगजीत साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, कई बार ना जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कई गाने आपके दिल के इतना करीब हो जाते हैं, उसके लिरिक्स आपको ऐसा लगता है कि आप ही की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे ये जो गाना है ये मैंने सुना तो बहुत देर पहले था, लेकिन जब मेरे फादर इस दुनिया से चले गए
लास्ट दिनों में जब वो आईसीयू में थे, तो आईसीयू में जब गए तो मुझे लगा कि आ जाएंगे वापस, कुछ बातें करनी थी उन्होंने मेरे साथ, बोल के भी गए दो तीन बातें, कहते यार एक काम रह गए। तो मैंने कहा क्या रह गया काम? बोलते तेरी बहन की शादी करनी रह गई है ना। तो हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग, है ना, आप आ जाओ। मैं उस समय 20 साल का था, पता नहीं था कि क्या सीन होने वाला है। तो खैर वो आए नहीं वापस। तो मेरे मन में एक बात थी, मैंने कहा काश अगर वक्त मिल जाता दो बातें और कर लेते। होता है आप सबके साथ होता है, आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाहरले मुल्कों में हो, कभी आपको एक मैसेज आता है, आप रात को सोए हो, सुबह उठते हो, आप देखते हो कि यार हमारे दादा जी चले गए या दादी चली गई। होता एक मन में टीस रह जाती है, खसक रह जाती है कि काश उनसे मिल पाते। तो ये इसलिए मैं आपको इमोशनल नहीं करना चाहता यार, मेरा ये सब नहीं बिकता। मैं दो लाइनें आप थोड़े लाइट कम कर देना, रिड्यूस सम लाइट। चिट्ठी में कोई संदेह हो, जाने वो कौन सा दे जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगाते थे जाने वो कौन सा दे जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज पाती होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा जहाँ तुम चले गए साहब ने अपने बेटे की याद में लिखा था, उनका जवान बेटा एक्सीडेंट में चला गया था। तो ये गाना मेरे को कभी कभी बड़ा मूड होता ना गुबार निकालने का मन का, तो मैं सुन लेता हूँ। पर मैं वैसे भी उनका फैन हूँ,
कई चीजें होती है, जैसे मैंने कहा लिरिक्स जो होते हैं जो आपके दिल को छूते हैं, तो कुछ चीजें याद रह जाती हैं, ये धूम धड़क्का ये वो सब गाने आते हैं निकल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपके दिल में ऐसा बसती हैं। नहीं तो चीजें अगर आपका मन हो तो अगर आपकी इजाजत हो तो सुना सकते हैं, आपकी तालियां इस बात का शुक्रिया। जैसे इस चीज़ में सुनाने लगा इसकी भी वर्डिंग बड़ी खूबसूरत है कि गांठ अगर लग जाती है किसी रिश्ते में, एक बार गांठ लग गई पता नहीं वो गांठ खुलेगी या ना खुलेगी, बहुत कम लगता है। वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लिखने, वक्त तो लगता है नए परिंदों को उड़ने, वक्त तो लगता है प्यार का पहला वक्त तो लगता है। तेरे खुशबू में बसे